नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एंड Facebook पेज में। दोस्तों मैं हूं अभी रोमानिया यूरोप में और काफ़ी सारा वीडियो मैं अपने चैनल पे जो है ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा या Facebook पेज पे भी मैं डालता हूं वीडियो, तो Facebook पेज पे भी देखे होंगे। तो काफ़ी सारे भाइयों के मुझे जो है कमेंट आए हुए हैं कि भाई आप किस तरह से गए हो, क्या खर्चा लगा है, तो मैं सारा कुछ ऑलरेडी वीडियो में जो है डाल के रखा हूँ। आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा, मेरे YouTube चैनल में देखेंगे या Facebook पेज में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं जो है अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी सारा मैं कमेंट देख रहा हूँ, तो भाई काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई मतलब मैं हेल्पर में आना चाहता हूँ, तो हेल्पर में मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और हेल्पर में मतलब क्या क्या काम जो है यहाँ पे होता है। तो देखो हेल्पर में यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पे हेल्पर में जो है मैंने एक वीडियो पहले ही बताया था कि भाई हेल्पर में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हेल्पर में आके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि सैलरी कम मिलेगा और उसके बाद में आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो मतलब कि कुछ काम वगैरह नहीं सीखे हैं, वो चाह रहे हैं कि यार वो हेल्पर में ही मतलब आएँ और हेल्पर में आके कुछ जो है काम करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। फ्रेशर हैं बिल्कुल, मतलब उनको मतलब जैसे ही होता कि फ्रेशर हैं वो कहीं पे गल्फ कंट्री कहीं गए नहीं हैं, तो वो हेल्पर में आना चाहते हैं, तो हेल्पर में मतलब कितना उनको सैलरी मिलेगा। तो देखो सैलरी तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सैलरी भाई देखो गल्फ़ कंट्री में तो फ़िलहाल हेल्पर का बहुत ज़्यादा वांट जो है निकलता है, यूरोप कंट्री का बहुत कम निकलता है, लेकिन यूरोप कंट्री में भी हेल्पर का काम होता है। और हेल्पर में मान के चलो आपको जैसे कंपनी हो गई, कंपनी में जो है ग्राइंडिंग वरेंडिंग का काम हो गया, उसके बाद में खेती बाड़ी के काम में हो गया, उसके बाद में रेस्टोरेंट में होटल वोटल लाइन में हो गया, तो ये सब में जो है हेल्पर में आप आ सकते हो। इसके लिए मान के चलो आपको सैलरी जो मैं बताऊँ तो मान के चलो कि $3 से $4 पर घंटे आपको जो है मिलेगा। लेकिन होटल वोटल लाइन में क्या है कि भाई ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, लेकिन ये मान के चलो अगर आप हेल्पर में आते हो तो हेल्पर में आप लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया खा पी के आराम से जो है बचा लोगे, क्योंकि हेल्पर में काफ़ी सारे लोग जो है मतलब मेरे कंपनी के बगल में जो हैं इंडिया के नहीं हैं, सब जो है तुर्की के हैं, इस्तांबुल के हैं, सब लोग काम कर रहे हैं हेल्पर में। तो वो लोग जो है मतलब उस हिसाब से जैसे अपने इंडिया में है करेंसी के हिसाब से मैं बताऊँ तो वो लोग बोलते थे भाई $700 $600 ऐसे मतलब मंथली उन लोगों का सैलरी आता है। तो जो भी भाई मतलब ये सोचते हैं कि यार मैं हेल्पर में जाऊँगा तो मुझे कितना खर्चा लगेगा, तो भाई मैं बता दूँ कि खर्चा मान के चलो अगर आप ऑफिस के द्वारा आते हो तो आपको 1.5 से 2 लाख या हो सकता है 3 लाख भी लग जाए, क्योंकि यूरोप कंट्री के लिए भाई बहुत ज़्यादा जो है चार्ज लेते हैं ऑफिस वाले, बहुत ज़्यादा जो है पैसा लेते हैं। तो अगर मान के चलो आप हेल्पर में आ रहे हो या हेल्पर में आना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप कोई काम नहीं सीखे हो तो इंडिया में साल भर 6 महीना रह के कोई ना कोई काम सीख लो, उसके बाद में जो है आप आओ यूरोप कंट्री में या गल्फ कंट्री में किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ काम सीख कर जाओ। अगर कुछ ना कुछ काम सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि देखो शुरू शुरू में कितने सारे भाई ऐसे हैं जो मतलब कोई काम वगैरह सीखे नहीं है, उनको मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखकर उनको यही लगता है कि यार जैसे ये बंदा चले गया वैसे मैं भी चले जाता हूँ। तो इतना आसान भी नहीं होता भाई, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी भाई मान के चलो नए हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनको बाहर आना है, कुछ करना है, कुछ काम वगैरह नहीं सीखे हैं, हेल्पर में आना है, तो हेल्पर में अगर आप आते हो तो मान के चलो आप इन्हीं चीज़ों में आ सकते हो। और हेल्पर में आके आप मान के चलो फिर भी 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ मतलब कमा लोगे आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूरोप कंट्री में भाई बहुत ज़्यादा जो है सैलरी बहुत मिलता है, और पहले इतना ज़्यादा लोग यूरोप नहीं आते थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा यूरोप जो है लोग, जैसे मैं भी गल्फ कंट्री ऑलरेडी रिटर्नर हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, मैं इससे पहले कुवैत में था और वहाँ पे मैं 4 साल के करीब मैं जॉब किया हूँ, उसके बाद में जो जितना टाइम मैं वहाँ पे लगाया उतना टाइम अगर मैं यहाँ पे लगाया होता तो समझ लो आज मेरी लाइफ जो है और कुछ अलग ही लेवल की होती। लेकिन फिर भी जो भी था ऊपर वाले ने जैसा मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वैसा मतलब हुआ, लेट फास्ट जो भी हुआ आए हैं तो कुछ ना कुछ कमा के अपना कुछ ना कुछ करेंगे ही। लेकिन ये है कि जितने भी भाई मेरा वीडियो देखते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हेल्पर में आएँ, तो हेल्पर में अगर आप आना चाहते हो तो मान के चलो हेल्पर में यही सैलरी मिलेगी और खर्चा उसके साथ साथ आपको जो है इतना लगेगा। तो आप मान के चलो अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे हो चाहे हेल्पर में चाहे किसी भी कैटेगरी में, तो आप सबसे पहले पैसे का इंतजाम ज़रूर करके रखें, क्योंकि जब आपका काम होने लगेगा पैसा अचानक में आपसे मांगा जाएगा, तो अगर आप पूरा पैसा नहीं दोगे नहीं दे पाओगे तो आप प्रॉब्लम में हो जाओगे, आपका जो आधा पैसा दिए रहेंगे वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो आप पहले जॉब
जॉब के लिए अप्लाई करने के पहले पैसे का व्यवस्था कर लो, उसके बाद से जो है जॉब अप्लाई करो। और पासपोर्ट वगैरह आप जो है अपना अपने पास में रखो, इंटरव्यू देने जहाँ पे भी जाओ आप वहाँ पे बढ़िया से देख लो कि भाई हाँ कौन सा ऑफिस है, कैसा ऑफिस है। मैंने इस पर ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हुआ है, मेरे वीडियो में आप जाकर देखेंगे मैंने ऑफ़िसों के बारे में वीडियो बनाया हुआ कि कहाँ कहाँ से किस किस ऑफिस से जो है आप आ सकते हो, मैं किस ऑफिस से आया हुआ हूँ। तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, वो भी आप देख सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप देख लोगे कि आपको किस ऑफिस से जो है अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे कम पैसों में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी भाई ऐसा पूछ रहे थे कि भाई हेल्पर में कितना सैलरी मिलेगा, तो मैं जो कुछ भी था मैंने बता दिया। बाकी आप जो भी कमेंट करोगे, जो कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करोगे, तो मैं आपके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए गुड बाय।